नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। हाथ पिछवाड़े पर है और नजर पड़ोसी के नाड़े पर है। मदरसा पैदाइश आज उसी हालात का सामना कर रही है और अब पाकिस्तान खुलकर भारत से पींगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। इस चैनल ने पहले ही बता दिया था कि मदरसा मुल्क भारत से चीनी और अनाज समेत कई वस्तुओं के आयात के रास्ते तलाश रहा है ताकि महंगाई से जूझती आवाम को नए पीएम शाहबाज शरीफ कुछ राहत देकर वाई वाई बटोर सके। मदरसा मुल्क में महंगाई का उद्घाटन उसी दिन हो गया था जब साल 2019 में पूर्व पीएम इमरान खान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। भारत पर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर आज पाकिस्तान के जाहिलों में कोहराम मचा हुआ है और टोपी के छेद से तहमंद निकालने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में पहली बार अलग से एक व्यापार मंत्री नई दिल्ली उच्चायोग में नियुक्त किया है। कमर जमान नाम के इस मंत्री की जिम्मेदारी भारत से बातचीत करके व्यापारिक गतिविधियां शुरू करनी है। खास बात यह कि उनका दायरा सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा और वह दोनों देशों के ट्रेड को बहाल करने के लिए भारत सरकार से लगातार मंत्रणा करेंगे। इस नए डेवलप से पाकिस्तान में गधैया नृत्यों की शुरुआत हो चुकी है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे भिखारी को घर से निकलते जमीन पर पड़ी अठन्नी मिल गई हो, जबकि भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ ट्रेड को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। सरकार के ज्यादातर मंत्री पाकिस्तान से ट्रेड के इच्छुक नहीं है, यानी पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर भारत जल्दबाजी में नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान जो खेल खराब करके गए हैं उसने भारत पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्ते रसातल में पहुंचा दिए हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान का आयात अब सस्ता नहीं रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहबाज सरकार फिर से MFN को वापस पाने की कोशिश में है, पर वह इसके बदले भारत को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना चाहती है। यह शाहबाज सरकार का ऐसा दाव है जो भारत को भी व्यापार के लिए मजबूर कर सकता है। दरअसल भारत ने 1996 में पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया था। यह दर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान को अधिक आयात कोटा और उसके उत्पादों को कम ट्रेड टैरिफ पर बेचे जाने की छूट दी गई। खास बात यह कि भारत की ओर से पाक को दिया गया दर्जा एक तरफा था, पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया। मदरसा मुल्क ने वर्ष 2012 में भारत को FN का दर्जा देने का ऐलान किया था, लेकिन उसने अपना किया वादा कभी नहीं निभाया। भारत पाकिस्तान को चीनी चाय, ऑयल केक, कॉटन, पेट्रोलियम, ऑयल, टायर, रबड़ समेत 14 वस्तुओं का प्रमुख रूप से निर्यात करता है। व्यापार बंद होने से इस निर्यात में काफी गिरावट आई है, मगर इसके बावजूद खाड़ी देशों के जरिए भारत प्रोडक्ट अभी भी पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं, परंतु इस वक्त इनके दाम दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। अगर पाकिस्तान सीधे भारत से आयात करना शुरू कर दे तो भारत सामानों के दाम आधे से भी कम हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई में 3 से 4% की बड़ी गिरावट आएगी। पाकिस्तान में महंगाई को कम करने में भारत से व्यापार बड़ी भूमिका निभा सकता है। मदरसा मुल्क में दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे चीनी, अनाज, दालें, तेल, सब्जियां रिकॉर्ड मूल्यों पर बिक रही है। भारत में इन वस्तुओं के दाम पाकिस्तान के मुकाबले 30 से 50% कम है। अगर पाकिस्तान में प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है तो यह भारत में आज 20 रुपये किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में 10 किलो आटे का बैग 900 रुपये है तो जबकि भारत में यह 300 रुपये से भी कम है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत को तरजीह वाले देश की उपाधि देकर बड़ा फायदा उठाने की फिराक में है। इससे भारत का आयात और निर्यात कोटा बढ़ जाएगा, यानी भारत अधिक मात्रा में पाकिस्तान को निर्यात भी कर सकेगा और वह पाकिस्तान से कम टैरिफ पर आयात भी कर सकेगा। इससे पाकिस्तान के हित में दो बड़े फायदे होंगे। पाकिस्तान के व्यापारियों की भारत जैसे बड़े बाजार में एंट्री हो जाएगी, जहां पाकिस्तानी प्रोडक्ट आसानी से खपाए जा सकते हैं। साथ ही भारत का अधिक मात्रा में निर्यात होने से पाकिस्तान में वस्तुओं के दाम सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान वाघा सीमा भूमि मार्ग के माध्यम से भारत को सिर्फ 137 उत्पादों के निर्यात करने की अनुमति देता है। पाकिस्तान द्वारा MFN का दर्जा देने के बाद यह सीमा कई गुना हो जाएगी। उधर भारत द्वारा पाकिस्तान से फल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, गैस, सीमेंट, कोपर, सेंगा, नमक, मेवे आदि का आयात कई गुना हो जाएगा। भारत से व्यापार बंद होने से पाकिस्तान का सीमेंट उद्योग तबाही के कगार पर पहुंच गया है। इससे सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक चोट ही नहीं पड़ी है, हजारों जहल भी बेरोजगार हो गए हैं। यानी शाहबाज शरीफ अब धारा 370 के मुद्दे को भूलकर इमरान खान के पापों को धोना चाहते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।